नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में आपको सुना रहा हूं व्यंग रक्षामह। मैं हूं मंजीत ठाकुर। आज आप सुनिए इसका अध्याय 17, जिसका शीर्षक है मायावती। अपराह्न की मनोरम वेला में मायावती अंतःपुर की मदन वाटिका के माधवी मंडप में अकेली ही कुछ विचार मग्न सी बैठी थी। आयु अभी उसकी 28 ही वर्ष की थी, परंतु अपनी आयु से वो बहुत कम दिख पड़ती थी। उसका रंग तप्त कांचन के समान देदीप्यमान था ही, उसकी भाव भंगिमा भी बड़ी मोहक थी। उसका शरीर उठानदार था, कद कुछ लंबा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अंग से रक्त फूटकर बाहर निकलना चाहता है। लावण्य और स्वास्थ्य की कोमलता का उसके शरीर में कुछ ऐसा सामंजस्य था कि किसी भी तरह सुषमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके नेत्र काले और बड़े थे, कोई दूध जैसे सफेद थे। दृष्टि में कुछ ऐसी मादक भाव भंगिमा थी कि जिससे उसके आग्रही और अनुराग पूर्ण भावना का प्रकटीकरण होता था। केश उसके भौरे के समान दो भाग में बटे थे, उनमें बड़ी कारीगरी से मोती गूंथे गए थे। ध्यान से देखने पर उसकी बांकी भौहें कुछ घनी प्रतीत होती थी। कान छोटे, पतले और कोमल थे। शंख के समान कंठ, भरावदार उन्नत उरूज और देह छरहरी थी। उसके देह की सुडौलता देखते ही बनती थी। वो ग्रीष्मकालीन बहुत ही महीन कौशेय शरीर पर धारण किए हुए थी, जिसमें से छन छन कर उसके शरीर की लावण्य छटा दोगुनी चौगुनी दिख पड़ रही थी। उसके छोटे छोटे सुंदर पैरों में पड़े सुनहरी उपानतों के लाल माणिक्य नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहे थे। शंबर एक प्रतापी पुरुष अवश्य था, पर उसकी अवस्था 50 वर्ष से अधिक थी। वो राजकीय आवश्यकता और युद्धों से घिरा रहता था। यद्यपि वो प्रेमी, भावुक और स्वच्छ हृदय का पुरुष था, परंतु सच्चे अर्थों में मायावती की मांग का वो पूरक नहीं था। वो एक अच्छा पति था, पर मायावती की उद्दाम वासना पति के स्थान पर प्रेमी चाहती थी। इतने बड़े राज्य का अधिपति 50 वर्ष की ढलती आयु में प्रेमी नहीं हो सकता था। मायावती को कोई संतान भी नहीं हुई थी, इससे भी उसकी वो पिपासा भड़की हुई थी। फिर भी मायावती के चरित्र में कोई दोष नहीं था। उसकी मानसिक भूख मन ही तक में थी। अपनी मर्यादा, चरित्र और दायित्व का उसे पूरा ज्ञान था। रावण की अवस्था अभी लगभग मायावती के बराबर ही थी, कहना चाहिए कि एकाध वर्ष कम ही थी। रावण निर्द्वंद, हसमुख, विनोदी वीर और साहसी था। उल्लास और आकांक्षाओं से उसके रक्त की प्रत्येक बूंद भरपूर थी। माया को देखते ही रावण के नेत्रों में मद छा गया। माया उसकी साली पत्नी की बड़ी बहन थी, अतः माया से वह न केवल खुलकर हास्य विनोद ही करता, व्यंग विनोद भी करने लगा। रावण के स्वभाव, विनय, स्वास्थ्य, सौंदर्य और पौरुष, इन सब पर मायावती विमोहित हो गई। एक अज्ञात आकर्षण रावण के प्रति उसके मन में उत्पन्न हो गया। वो रावण को चाहने भी लगी और प्यार भी करने लगी। माधवी मंडप में अकेली वो असुर साम्राज्ञी रावण ही के विचार में कुछ अनमनी सी बैठी थी। उसका मन परस्पर विरोधी भावों से आंदोलित हो रहा था। उसके आग्रही स्वभाव और दुर्दमनीय इंद्रिय लालसा का नारी धर्म नीति से द्वंद चल रहा था। उसका प्रेमी रमणी हृदय परस्पर विरोधी आवेग से अधीर हो रहा था। एकाध बार रावण से उसकी कुछ एकांत वार्ता हुई थी। असुरराज शंबर ने उसका आत्मीय की भांति अपने घर में स्वागत किया था और साम्राज्ञी को अपने बहनोई का सब भांति सत्कार कर उसे संतुष्ट रखने का बारंबार अनुरोध किया था। उस समय असुरराज पर देवों और आर्यों का एक अभियान होने वाला था। उसके लिए समूची असुरपुरी वैजयंती में भारी तैयारियां हो रही थी। दूर दूर के असुर भट्ट सन्नद्ध होकर रणरंग मचाने वैजयंती में आ रहे थे। असुर सम्राट इस बार शत्रु से कठिन मोर्चा लेने की भीषण तैयारियों में लगे थे। इसका प्रबल शत्रु देवमित्र पांचाल नरेश दिवोदास था। ये एक निर्णायक युद्ध का सूत्रपात था। इसी से असुरराज इस युद्ध की ओर से बेखबर नहीं था। इसी से उसने अपने साढ़ू लंकापति रावण के आतिथ्य का भार
अपनी पत्नी मायावती पर डाल दिया था। शंबर मायावती को अत्यंत प्रेम करता था। उन दिनों असुर, दैत्यों और दानवों की अपेक्षा संस्कृति में आर्यों से अधिक साम्य रखते थे। वे अपने को आर्यों की ही शाखा में मानते थे। इसी से विवाह मर्यादा इनमें आर्यों ही के समान थी। मायावती भी आर्य ललना की भांति स्त्री नीति तथा स्त्री धर्म को समझती थी। यद्यपि आर्य ललना से वो अपने अवरोध में भी स्वतंत्र थी, बंधन मुक्त थी। उन दिनों असुर महिलाएं आर्य पत्नियों से अधिक स्वाधीनता और समानता का उपभोग करती थी। मायावती जैसी आग्रही स्वभाव की थी, वैसे ही मानवती भी थी। जब वो अपनी गर्वीली चाल से हंसनी अथवा हथिनी की भांति चलती, तब उसकी शोभा देखते ही बनती थी। इस समय अपने मन की चंचलता को छिपाने के लिए उसने अपनी सभी दासी चेटियों को अलग कर दिया था। केवल एक दानवी किंकरी नंगी तलवार लिए लता ग्रह के द्वार पर पहरा दे रही थी। अपराह्न की सुनहरी धूप छन छन कर लता मंडप में आ रही थी। इसी समय रावण भी उपवन में घूमता हुआ वहीं आ पहुंचा। किंकरी को नंगी तलवार लिए मंडप के द्वार पर खड़ी देख उसने अनुमान किया कि अवश्य ही मायावती मंडप में है। वो तेजी से कदम बढ़ाकर उसी ओर चला। किंकरी को देखकर उसने हंसकर कहा, लता मंडप में यदि स्वामिनी है तो उनकी सेवा में रावण का अभिवादन निवेदन कर दें। किंकरी ने जब मायावती को रावण की विज्ञप्ति की तो उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में एक मद आ गया। उत्तेजना के मारे उसके उरोज उन्नत अवनत होने लगे। वो ससंभ्रम उठ खड़ी हुई। किंकरी पीछे हटती चली गई। इसी समय रावण ने हंसते हंसते मंडप में प्रवेश करते हुए कहा, देवी प्रसन्न हो, इस मंगलमयी शांति वेला में वनश्री की शोभा को आपने अपनी उपस्थिति से कैसा सजीव कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस माधवी लता से आवेष्टित मंडप में छन छन कर जो अस्तंगत मारीची माली की स्वर्णिम रश्मि राज एकत्रित हो गई हैं, उन्हें किसी जादूगर ने जैसे एकत्र कर मूर्त रूप दे दिया है। ओ लंकेश्वर केवल वीर शिरोमणि ही नहीं है, चाटुकार भी वैसे ही हैं। इसी गुण ने शायद मंदोत्री को मोह लिया है कि वो कभी अपने आत्मियों को याद भी नहीं करती। परंतु आपकी आनंद और श्रद्धा की मूर्ति तो उसी ने मेरे हृदय में अंकुरित की है, तभी तो आपके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने इतनी दूर आया हूं। जाइए, बातें न बनाइए, श्रद्धांजलि उन्हीं चरणों में अर्पित कीजिए जो नूपुर ध्वनि से लंका के मणि महालय को मुखरित करते हैं। पात्र में दान करने से पुण्य क्षय होता है, ऐसा नीतिकारों का वचन है। आपका वचन प्रमाण है, किंतु अभय दान मिले तो कुछ निवेदन करो। मायावती हंसती, उसने हाथ उठाकर अभिनय सा करते हुए कहा, अभय लंकापति, आपको अभय तो मुझे कहने दीजिए कि रावण लंकाधिपति नहीं, आपका दास है। उसे इन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने दीजिए। हठात रावण मायावती के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गया। मायावती ने भयभीत होकर इधर उधर देखा। उसका मुंह लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा, उठिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहा हूं उस देवी की जिसकी अप्रतिम छवि मेरे रक्त के प्रत्येक बिंदु में व्याप्त हो गई है। क्षमा करो सुंदरी, ये रावण आपका दास है। इतना कहकर उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर होठों से लगा लिए। हठात रावण के इस आचरण से मायावती विचलित विस्मित हो गई। वो भीताचकित हरिणी की भांति कांपने लगी। उसके मुंह से बात न निकली। एक अकथनीय आनंद से वो बिह्वल हो उठी और तुरंत ही सावधान होकर उसने अपने हाथ खींच लिया और कहा, ये क्या लंकेश्वर? स्वीकार करता हूं कि मैंने अपराध किया है, किंतु ये आपकी इस अतुलनीय रूप माधुरी का सत्कार है, इस दिव्य ज्योति की मानसी पूजा है। आप रुष्ट क्यों हो गई? रुष्ट नहीं हूं, परंतु आप मर्यादा से बाहर आचरण कर रहे हैं। देवी प्रसन्न हो, निसंदेह किंचन आपकी कृपा के योग्य नहीं, पर इस दिव्य सौंदर्य की पूजा से तो आप मुझ दास को वंचित मत कीजिए। आप ये क्या व्यंग्य कर रहे हैं लंकेश? मायावती ने अपनी प्रशंसा सुनकर असंयत होकर धड़कते हुए हृदय से कहा, नहीं देवी, मैं सच कह रहा हूं। मैं चाटुकारिता नहीं करता, मैं आप पर मुग्ध हूं। मेरा हृदय आप पर न्योछावर है। ये तो आप मंदोदरी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मंदोदरी को निसंदेह मैं प्राणों से अधिक प्यार करता हूं,
परंतु आपके इस रूप की तो मैं पूजा करता हूं, परंतु आपके क्रोध से भय खाता हूं। मायावती के आग्रहशील हृदय में प्रवृत्ति की लहरें उबड़ने लगी। उसने मंद मंद मुस्काकर कहा, वीरध्वज लंकेश भी भय खाते हैं, वो भी स्त्रियों से। ये तो लंकेश के लिए प्रशंसा की बात नहीं है। रावण के नेत्रों की तृष्णा उभर आई। उसने कहा, ओ इसका अर्थ यह है कि आप मुझ पर एकदम निर्दयी नहीं हैं। यह आपने समझ लिया? आपके इस चंद्र छटा समुज्ज्वल हास से। परंतु मैं ऐसी अकृतज्ञ नहीं हूं कि आपकी स्तुति के लिए आपका आभार न मानूं। ये तो मेरे अंतःकरण की श्रद्धा है। फिर एकाएक उत्तेजित होकर उसने कहा, सच तो यह है कि मेरा मन तुम पर अनुरक्त है सुंदरी। कहो, वो कौन बड़भागी है जिसके लिए तुमने यह साज सजा है? वो कौन भाग्यवान है जो तुम्हारे इन कमल से सुगंध वाले अधर पल्लवों का चुंबन करेगा? स्वर्ण घट के समान तुम्हारे ये उभरे हुए कुछ कठोर आज किसके आलिंगन की प्रतीक्षा में है? प्रिय, आज तुम मुझे रति दो। मैं लंका का स्वामी पौलत से रावण काम पीड़ित हो तुमसे नम्रता पूर्वक रतिदान मांग रहा हूं। मैं जब से यहां आया हूं तुम्हारी मनोहारी मूर्ति हृदय में रखकर रात दिन इसकी आराधना करता हूं। इतना कहकर रावण अत्यंत उदग्र भाव से दोनों हाथ फैलाकर मायावती को अपने आलिंगन में बांधने को आगे बढ़ा। उसका यह भाव देखकर और उसका अभिप्राय समझकर मायावती थर थर कांपने लगी। उसने कहा, लंकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी छोटी भगिनी के पति मेरे संबंधी हो। मैं धर्म से तुम्हारे ज्येष्ठ हूं। सोचो तो, मेरे पति ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हारे भाई कुबेर लोकपाल त्रिलोकी में विख्यात हैं। तुम भी धर्म अधर्म को समझते हो, ऋषि कुमार हो, इसलिए ऐसा ना करो। जो मेरा पति है उसके लिए ही मैं श्रृंगार करती हूं। मैं असुर कुल की स्त्री हूं, पत्नी हूं, तुम्हारी रक्षा संस्कृति है। मेरे सत्व की तुम रक्षा करो। कहो व्यंग रक्षामा। रावण ने हंसकर कहा, कहीं असुर रमणियों के भी पति हुआ करते हैं? फिर ये एकांत रति का नियम तो मानवों में है, इसलिए मेरी अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी पड़ेगी। और इतना कहकर रावण ने झपटकर मायावती को अपने अंक पाश में दबोच लिया। मायावती बाज के पंजे में दबी हुई कबूतरी की भांति छटपटाने लगी। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया, वस्त्र फट गए, केश बिखर गए, वो केले के पत्ते के समान कांपने लगी। मायावती की दुर्दमनीय प्रवृत्ति भी तीव्र अभिलाषा अग्नि से उद्दीप्त होती। उसने कांपते हुए मृदुमंद स्वर में कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मत करो। इस पर रावण ने उसे और भी कसकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं में भर लिया और उसके होठों के निकट अपने उत्तप्त होठ ले जाकर कहा, प्रिय, तू मेरी आराध्या है। उसने अपने अधर मायावती के अधरों से मिला दिए। मायावती भी आवेश में आकर रावण के अंग में समा गई। वो भूल गई अपना स्त्री धर्म, राजपद मर्यादा, असुर राज महिषि का गौरवमय पद। वो अपने पति असुर राज को भूल गई, कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गई, विश्व की सब बातों को भूल गई। उसने उन्मत्त होकर सब कुछ भूल उस नायक के आलिंगन में अध खुले नेत्रों के साथ अपना शरीर अर्पण कर दिया।